क्या कोरोना वायरस भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। भारत सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि देश में 28,529 लोग ऐसे हैं जिन पर संदेह के आधार पर नजर रखी जा रही है, जबकि भारत में अब तक कुल मिलाकर 30 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 3 मरीज केरल के थे जो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 27 लोगों का फिलहाल इलाज चल रहा है। लेकिन डराने वाली बात यह है कि चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस अब चीन के मुकाबले पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। करीब एक महीना पहले तक चीन में पूरी दुनिया के मुकाबले 18 गुना ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, लेकिन पिछले करीब एक हफ्ते से चीन में कोरोना वायरस के मामले घट रहे हैं, जबकि दुनिया में इसके मरीजों की संख्या बढ़ रही है। चीन के वैज्ञानिकों ने रिसर्च में दावा किया है कि कोरोना वायरस तेजी से खुद में बदलाव कर रहा है और इससे लड़ने की कोशिशें कमजोर पड़ सकती हैं। विज्ञान की भाषा में इसे म्यूटेशन कहते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना वायरस फिलहाल 2 प्रकार का है। एक एल टाइप का कोरोना वायरस है, जबकि दूसरा एस टाइप का है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एल टाइप का कोरोना वायरस नया है और ज्यादा घातक है। कोरोना वायरस के 70% मामलों के लिए एल टाइप का कोरोना वायरस ही जिम्मेदार है। ये रिसर्च मरीजों की सीमित संख्या पर की गई है, इसलिए अभी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर ये वायरस खुद में बदलाव करने में सक्षम है तो वैज्ञानिकों को इसका इलाज ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। फिलहाल पूरी दुनिया में 95,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हैं, जबकि इससे 3,286 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोरोना वायरस से संक्रमित 53,000 से ज्यादा लोग अब पूरी तरह से स्वस्थ भी हो चुके हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको इसे लेकर कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि भारत में इस वायरस की स्थिति क्या है। दिल्ली का एक व्यक्ति इटली से लौटने के बाद आगरा में अपने परिवार वालों के संपर्क में आया और परिवार के 6 सदस्यों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो गई। ये व्यक्ति कुल मिलाकर 88 लोगों के संपर्क में आया था और एहतियातन सभी पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा इटली के 16 नागरिकों में भी कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है और इनके भारतीय ड्राइवर का टेस्ट रिजल्ट भी पॉजिटिव आया है। ऐसा माना जा रहा है कि इटली के ये नागरिक राजस्थान से पहले आगरा भी गए थे। ये नागरिक राजस्थान के करीब 6 शहरों में घूमे थे और 6 अलग अलग होटलों में ठहरे थे। इसके बाद इन होटलों के 50 कमरे सील कर दिए गए। माना जा रहा है कि इटली के ये नागरिक संक्रमण की पुष्टि होने से पहले करीब 215 लोगों के संपर्क में आए थे। इसके अलावा दुबई से तेलंगाना लौटे एक भारतीय भी कोरोना वायरस से पीड़ित है। ये व्यक्ति दुबई में सिंगापुर के व्यक्ति से मिला था जिसमें कोरोना वायरस के लक्षण थे। तेलंगाना का ये मरीज संक्रमण की पुष्टि होने से पहले करीब 88 लोगों से मिला था। इसके अलावा इटली से गुरुग्राम लौटे एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी में भी कोरोना वायरस की पुष्टि हो गई है और दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ईरान से लौटा एक भारतीय भी कोरोना वायरस से संक्रमित है। तो कुल मिलाकर इस समय देश में कोरोना वायरस के 27 नए मरीजों का इलाज चल रहा है और सरकार को आशंका है कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। इसे देखते हुए दिल्ली में 5वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। आज कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश की संसद को भी जानकारी दी। उनकी महत्वपूर्ण बातों को भी आज आपको सुनना चाहिए। इंडियन सिटीजंस आर एडवाइज्ड टू रिफ्रेन फ्रॉम ट्रेवल टू चाइना, ईरान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इटली एंड जापान एंड एडवाइज्ड टू अवॉइड all non-essential travel to other COVID-19 affected countries. Honorable Prime Minister is personally monitoring the preparedness and response on a regular basis. Government of India has initiated a series of action to prevent entry of the disease and to contain it. I am daily reviewing the situation. A group of ministers consisting of Minister of External Affairs, Minister of Civil Aviation and Minister of State for Home Affairs, Minister of State for Shipping and Minister of State for Health and Family Welfare, chaired by me, have been constituted to monitor the situation. In our country, as on 4th March, a total of 29 positive cases have been reported so far.
Of these, three cases were reported in Kerala earlier, who have since recovered and have been discharged already. Since last 3 days, new travel-related cases have tested positive. It is worth highlighting that India initiated required preparedness and action at field level since 17th January itself, much before the advice of the World Health Organization. कोरोना वायरस का डर आज देश की संसद में भी पहुंच गया। कई सांसद आज फेस मास्क लगाकर संसद पहुंचे, तो कांग्रेस के कई सांसदों ने बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया। कुछ सांसदों ने आम लोगों को इस वायरस से बचने के तरीके बताए, तो कुछ ने गा गा कर भी अपनी बात कही। लोकसभा और राज्यसभा के मिला के 750-800 के करीब सांसद हैं, इतने विस्तार आते हैं, इतने कर्मचारी हैं और इतनी फॉरेन डिग्निटरीज आती हैं। अगर हम ये सैनिटाइजर यूज करेंगे, सावधानी बरतेंगे, थर्मल स्कैनिंग होगी, तो मैं समझता हूँ कि इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए एक संदेश भी पूरे देश के अंदर जाएगा। विदेशों में जो जा रहे हैं और लौट के आ रहे हैं, या विदेश के लोग जो आ रहे हैं और जिन देशों में ये है, सिर्फ उनके संपर्क में जो लोग आए हैं उन्हीं में कहीं कहीं कुछ लोगों में ये इन्फेक्शन हुआ है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत परेशान न हो, घबराए नहीं, पैनिक न हो, अपने हाथ में एक सैनिटाइजर की शीशी रखें। कोरोना से एहतियात बरतना है, सावधानी बरतनी है, डॉक्टर्स जो कहते हैं वो मानना है, हर्बल्स लेने हैं, हल्दी लो, मलट्ठी लो, सौंफ लो, ये और जो भी अच्छी चीज़ें हैं लो, हर्बल्स का तो साइड इफेक्ट नहीं है कोई भी। कि 125 रुपए का मास्क आता है, अगर हर पब्लिक प्लेस पे गवर्नमेंट के तरफ से फ्री मास्क अगर लोगों को दिया जाए तो इससे सुविधा और अच्छी हो सकती है। सर कोरोना वायरस पर कोरोना प्यार करो ऐसा है ना, कोरोना प्यार करो ऐसा हिंदी गाना है, कोरोना प्यार करो ऐसा हिंदी गाना है। तो संदेश तो एक ही है कि सावधानी बरतिए। जी न्यूज बार बार आपसे अपील कर रहा है कि आपको कोरोना वायरस के साथ साथ इससे जुड़ी अफवाहों को लेकर भी सावधान रहना चाहिए। अफवाहें किसी भी वायरस के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलती हैं और कई बार ये जानलेवा भी साबित होती है। इसलिए आज हम आपको कोरोना वायरस को लेकर फैल रही कुछ अफवाहों से सावधान करना चाहते हैं। पहली अफवाह ये है कि आप लहसुन खाकर कोरोना वायरस का इलाज कर सकते हैं। ये बात ठीक है कि लहसुन कई बीमारियों में कारगर साबित होता है, लेकिन लहसुन कोरोना वायरस का इलाज कर सकता है इसकी किसी रिसर्च में पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए कोरोना वायरस का संक्रमण होने की स्थिति में लहसुन के भरोसे मत रहिए, बल्कि डॉक्टर की सलाह का पालन कीजिए। दूसरी अफवाह यह है कि चाइनीज खाना खाने से भी आपको कोरोना वायरस हो सकता है। इस अफवाह को मानते हुए लोग चाइनीज खाना खाने से परहेज कर रहे हैं और चाइनीज रेस्टोरेंट में जाने से भी कतरा रहे हैं, लेकिन ये अफवाह भी बेबुनियाद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन या किसी और एजेंसी ने चाइनीज फूड को लेकर कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है। कोरोना वायरस को लेकर तीसरी अफवाह यह है कि आप आइसक्रीम और कुल्फी जैसी ठंडी चीजें ना खाएं और फ्रोजन फूड से भी आप दूर रहें, लेकिन इस अफवाह का भी कोई आधार नहीं है और कोई रिसर्च ये दावा नहीं करती है कि ठंडी चीजें खाने से कोरोना वायरस हो सकता है। चौथी अफवाह यह है कि शरीर पर गाय का गोबर लगाने से और गोमूत्र के सेवन से भी कोरोना वायरस नहीं होता है, लेकिन अभी तक कोई वैज्ञानिक रिसर्च इस दावे का समर्थन नहीं करती है। पांचवी अफवाह यह है कि कोरोना वायरस चीन से आया सामान छूने पर भी आपको संक्रमित कर सकता है। ये बात ठीक है कि प्लास्टिक या मेटल से बनी चीजों पर कोरोना वायरस कई घंटों तक जीवित रह सकता है, लेकिन लंबी यात्रा के दौरान कोरोना वायरस का इन चीजों पर जीवित रहना बहुत मुश्किल है। कोरोना वायरस को लेकर एक अफवाह यह भी है कि साधारण एंटीबायोटिक दवाओं से इसका इलाज संभव है, लेकिन WHO के मुताबिक एंटीबायोटिक दवाएं सिर्फ बैक्टीरिया का इलाज करती हैं और ये वायरस के खिलाफ कारगर नहीं है। कोरोना वायरस को लेकर एक और अफवाह जो अक्सर उड़ती है वो ये है कि इसका इलाज ढूंढ लिया गया है, लेकिन फिलहाल सच ये है कि अभी इसका इलाज नहीं ढूंढा जा सका है और दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी दवा और वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। कोरोना वायरस को लेकर जो सबसे बड़ी अफवाह उड़ाई जाती है वो ये है कि इसका संक्रमण हो जाने के बाद जीवित रहने की कोई संभावना नहीं बचती। ये बात भी बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि कोरोना वायरस के मामले में मृत्यु दर
डेथ रेट जो है वो सिर्फ 3.4% है, यानी इस वायरस से संक्रमित 100 लोगों में से सिर्फ 3 की मौत होती है। इस वायरस से जुड़ी एक अफवाह ये है कि फेस मास्क पहनने से इससे बचा जा सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि मास्क कोरोना वायरस के मरीजों के लिए कारगर है और स्वस्थ व्यक्ति को इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप वायरस से बचाव के लिए फेस मास्क लगा भी रहे हैं तो ये आपके चेहरे पर पूरी तरह से फिट होना चाहिए। अगर ये जरा भी ढीला होगा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। कोरोना वायरस से जुड़ी एक अफवाह यह है कि शराब पीने वालों पर कोरोना वायरस असर नहीं करता। ये भी बिल्कुल निराधार खबर है। सच यह है कि शराब आपके स्वास्थ्य को कमजोर करती है और आपके शरीर की इस तरह के वायरस से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। अफवाहों और वहम का कोई इलाज नहीं है, लेकिन सतर्कता आपको इन दोनों से बचा सकती है। और इसीलिए किसी भी अफवाह पर आंख मूंद कर विश्वास मत कीजिए, बल्कि पहले तथ्यों की जांच कीजिए और फिर कोई कदम उठाइए। कोरोना वायरस एक संक्रामक रोग है, यानी ये तेजी से एक से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है, लेकिन इस समय हमारे देश में अफवाहों की रफ्तार इस वायरस से भी ज्यादा है। इस समय आप भारत के किसी भी शहर में हो, आपको इस वायरस के संक्रमण का डर होगा। इसलिए आज हमने कोरोना वायरस पर एक अखिल भारतीय रिपोर्ट तैयार की है। इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको इस वायरस के बारे में देश भर की खबर मिलेगी और इससे बचाव का तरीका भी आपको पता चलेगा। चीन से चलते हुए कोरोना वायरस दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। भारत में भी ये लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। लोगों में अब इसका डर दिखने लगा है। लोग मास्क लगाकर यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले लोग ज्यादा सतर्कता बरत रहे हैं और लोगों के बीच इस वायरस को लेकर काफी खौफ भी है। बैठे थे तो हम कोई भी चीज टच कर लेते थे, अभी इतना ज्यादा हो गया है। जब आप घर से भी निकलते हो और मेट्रो का हमें ये रहता है कि कोई भी चीज टच नहीं करनी है अभी, क्योंकि इतना ज्यादा इन्फेक्शन का भी हो गया है। तो मास्क इज नेसेसरी राइट नाउ, और रहता है कि अभी तो शॉप पे भी इतना ज्यादा हो गया कि कहीं मिल भी नहीं रहा है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी ट्रेवल करते हैं तो सेफ्टी जो है सेफ्टी को यूज करना चाहिए, उसी सेफ्टी प्रोटेक्शन के हिसाब से लगाया हुआ है। थोड़ा सा दूर खड़ा रहते हैं। क्या करते, मतलब क्या अंतर आया कि पहले मेट्रो में सफर करना और अब? पहले थोड़ा सा ये था कि भैया लोग कंजेस्टेड खड़े होते थे, अभी थोड़ा सा पीपल ट्राई टू अवॉइड ईच अदर, थोड़ा सा डिस्टेंस पे खड़े होते। डर भी था, हम लोग पूरे रास्ते यही बात करते हैं, हम लोगों ने कुछ चीज टच भी नहीं करी। बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए दिल्ली में 31 मार्च तक 5वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस के बारे में हमने एडवाइजेस जारी किए हैं, हर स्कूल में किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमने अभी निर्णय लिया है कि कल से 5वीं तक के सारे स्कूल्स बंद किए जाएंगे। 31 मार्च तक 5वीं क्लास तक के सारे स्कूल्स, गवर्नमेंट प्राइवेट सभी, नगर निगम सभी के स्कूल्स 5वीं क्लास तक के बंद रहेंगे। ये डिसीजन लिया है और बाकी को अवेयरनेस के लिए और प्रिकॉशंस के लिए एडवाइजेस जारी की गई हैं, क्योंकि बाकी के एग्जाम चल रहे हैं तो उसमें अवेयर करना हमारा सबसे प्राइम कंसर्न है। वही पंजाब के जालंधर में इटली से आए 2 बच्चों को खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके कोरोना वायरस के जरूरी टेस्ट लिए गए हैं। जालंधर में अभी किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। जाके दिल्ली वॉच कर दिए कि कोई उन्होंने नवे सिम्टम्स तो नहीं पैदा हो रहे, जो कोई यह शिकायत नजर आती है तो उन्होंने पेशेंट्स में असी फिर अपने सिविल हॉस्पिटल के जो आइसोलेशन वार्ड है उत्थे शिफ्ट करांगे। देश भर के मंदिरों में भी लोग मास्क लगाकर पहुंच रहे हैं। साईं बाबा के धाम शिरडी में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। शिरडी में देश विदेश से रोजाना लाखों भक्त आते हैं। साई भक्त देश विदेश में से आते हैं। उसके लिए हमारे पास 2 हॉस्पिटल्स है, 2 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है उसमें हमें एक वार्ड सेपरेट रखने के लिए कहा गया है। कोरोना का असर कृष्ण भक्तों पर भी पड़ा। कान्हा की नगरी मथुरा और वृंदावन में इस्कॉन ने होली के कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। विदेश से आने वाले भक्तों पर भी रोक लगा दी गई है। जिस देशों में ज़्यादातर जैसे चाइना के हमारे बहुत सारे भक्त हैं, हम उनको सीधा मना नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं आप अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाइए, सर्टिफिकेट लीजिए, फिर मशीन करवाइए, सर्टिफिकेट लीजिए, फिर मंदिर आए, क्योंकि एक भक्तों के संक्रमण से यहाँ पे हमारे सारे भक्त एक साथ रहते हैं, जितने भी ब्रह्मचारी होते हैं। तो हालांकि कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसी वजह से हम सबसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप कृपया पहले अपना मेडिकल जाँच करवाइए, फिर हमारे मंदिर में आइए।
राजस्थान के पुष्कर में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव चल रहा है। यहाँ विदेशी पर्यटक भी हैं और उनमें भी डर का माहौल है। स्पेन से आई डेना भी डरी हुई है। I am very excited, but in the same time, I was listening some not so beautiful stories, so I have to take care, and I hope that the Indian friends are helping me. कोरोना का संक्रमण कम, अफवाहें ज्यादा तेजी से फैल रही हैं। NCR के ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में चीन के नागरिक को लेकर भी इसी तरह की खबर फैली। कुछ लोग उसके पास पहुंचे तो उसने घर का दरवाजा बंद कर लिया और मिलने से मना कर दिया। हालांकि इस व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अभी तक देश में जांच के लिए 3,542 नमूने भेजे गए। इनमें से कोरोना वायरस के 30 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से केरल के 3 मरीज ठीक हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। लेकिन देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स का मानना है कि सावधानी में ही इस वायरस का बचाव छिपा है। हर एक इंसान जिसको जुकाम, नजला, खांसी, बुखार है, कोरोना वायरस नहीं है। इस मौसम में बहुत ज्यादा इस टाइप के लक्षण होते हैं जो आम फ्लू या कॉमन कोल्ड के कारण हो सकते हैं। तो ये लक्षण अगर हैं और अगर आप उन देशों से आए जहाँ कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ है, या आप किसी पेशेंट जो पॉजिटिव है कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जिसको है उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में आए, तभी आपको फिक्र करने की ज़रूरत है और अपने टेस्ट कराने की ज़रूरत है। अगर ऐसे लक्षण आपको होते हैं और आप इस देश से आएँ जहाँ कोरोना वायरस आउटब्रेक है, सरकार की हेल्पलाइन है, आप उनको टेलीफोन करें, वो आके आपका सैंपल खुद लेंगे और आप घर पर ही रहें, होम क्वारंटाइन करें, जिससे आपसे अगर इन्फेक्शन, अगर आपको इन्फेक्शन है, वो और किसी में स्प्रेड ना हो। तो ये चीजें करना जरूरी है। कोरोना किसी का मजहब नहीं देखता है, ये सबसे धर्म निरपेक्ष है। ये अमीरी गरीबी भी नहीं देखता, इसके लिए सब बराबर है। लेकिन ये आपसे और आपकी आत्मशक्ति से ज्यादा ताकतवर नहीं है। साफ सफाई और जरूरी बातों पर अमल करके आप इसे हरा सकते हैं, इसे दूर भगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको कोरोना वायरस के लक्षणों के बारे में जान लेना चाहिए। इनमें सिरदर्द, सूखी खांसी, सांस लेने में परेशानी, मांसपेशियों में दर्द, बुखार और थकावट जैसे लक्षण शामिल हैं। लेकिन हम यहां एक बार फिर दोहराना चाहते हैं कि हर मामले में कोरोना वायरस का टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर हर व्यक्ति इन लक्षणों के साथ टेस्ट कराने पहुंच जाएगा तो संसाधनों पर इसका बुरा असर होगा, क्योंकि अभी किसी भी देश के पास हर व्यक्ति की जांच करने के संसाधन नहीं है। भारत में तो ये काम और भी मुश्किल है, क्योंकि भारत की आबादी 135 करोड़ से ज्यादा है। इसलिए कोरोना वायरस को लेकर घबराएं नहीं और इससे जुड़ी अफवाहों से तो बिल्कुल आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि भारत में कोरोना वायरस किसी की जान ले या न ले, अफवाहें जरूर जानलेवा साबित होती है। अब आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस के लक्षणों को कैसे पहचान सकते हैं और कैसे आप साधारण फ्लू और कोरोना वायरस के अंतर को समझ सकते हैं। आज हम इस संबंध में आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या आपको कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना चाहिए। पहली बात यह है कि अगर आपको सर्दी, जुकाम है या फिर सांस लेने में परेशानी हो रही है तो जरूरी नहीं है कि आपको कोरोना वायरस ही हो। कुछ खास स्थितियों में ही आपको कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना होगा। ये स्थितियां हैं सूखी खांसी, दर्द, बंद नाक और गले में दर्द या जलन। इन लक्षणों के साथ आपको बुखार हो या न हो, आपको कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके श्वसन तंत्र में काफी इन्फेक्शन है और इसके पीछे कोई दूसरी वजह जिम्मेदार नहीं है तो भी आपको कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप में ये लक्षण सामने आने से कम 14 दिन पहले किसी ऐसे देश की यात्रा आपने की है जहां कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है तो आपको कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। इसके साथ ही अगर आप कोरोना वायरस से पीड़ित किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको शक है कि आपको कोरोना वायरस हो सकता है तो सबसे पहले आपको खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए। आपको अपने परिवार वालों के करीब भी नहीं जाना चाहिए। अपने परिवार वालों से कहकर सबसे पहले एक मास्क मंगा लें ताकि जब आप छींके या खांसे तो ये वायरस दूसरों तक न फैले। साथ ही अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें और उसे अपने लक्षणों और ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी दें। डॉक्टर आपकी जांच करके ये पता लगाएगा कि आपको कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने की जरूरत है या नहीं। अगर डॉक्टर आपको टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं तो
तो फिर आपके सैंपल्स की जांच करवाई जाएगी और जब तक रिपोर्ट नहीं आती आपको आइसोलेशन में रहना होगा। और अगर आपका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया तो आपको कुछ और दिनों के लिए अस्पताल में आइसोलेशन में रहना होगा। लेकिन अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव भी आया तो भी आपको 14 दिनों के लिए घर पर ही रहना होगा, क्योंकि कई बार इस वायरस के लक्षण सामने आने में 14 दिनों का समय भी लग जाता है। कोरोना वायरस दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में फैल चुका है और ब्रिटेन के बड़े वैज्ञानिक नील फर्ग्यूसन का मानना है कि दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई हार रही है। फर्ग्यूसन ने कहा है कि इस बीमारी का 80 से ज्यादा देशों में फैल जाना इस बात का इशारा है कि दुनिया इसके प्रकोप को समय रहते नहीं समझ पाई। चीन में करीब 80,000 से ज्यादा लोगों में इस वायरस की पुष्टि हो चुकी है। दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया है जहां 6,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। तीसरे नंबर पर ईरान है जहां 3500 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। करीब 3000 मरीजों के साथ इटली चौथे नंबर पर है। इसके बाद जर्मनी का नंबर आता है जहां कोरोना वायरस के 400 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इस समय आपकी स्क्रीन पर जो मैप है वो कोरोना वायरस के प्रभाव के बारे में बताता है। पीले रंग से दर्शाए गए सभी देशों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है, जबकि लाल रंग में दर्शाया गया चीन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिन 93,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस हुआ है उनमें से 50,000 से ज्यादा लोग पूरी तरह स्वस्थ भी हो चुके हैं। जो देश और महाद्वीप ग्रे रंग में दिखाई गए हैं वहां अभी कोरोना वायरस के किसी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। WHO का कहना है कि इस वायरस से पीड़ित लोगों में मृत्यु दर 3.4% हो गई है, यानी इस वायरस से पीड़ित 100 में से 3 लोगों की जान को खतरा है। लेकिन WHO ने यह भी कहा कि इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वायरस सामान्य सर्दी जुकाम के मुकाबले कम तेजी से फैलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियों से हर रोज दुनिया में करीब 3000 लोगों की मौत हो जाती है। पिछले 2,00,000 वर्षों में अकेले मच्छर ही 5,200 करोड़ लोगों की जान ले चुके हैं। अलग अलग मौसमी बीमारियों की वजह से भी दुनिया में हर रोज औसतन 1,769 लोग मारे जाते हैं। कुल मिलाकर कोरोना वायरस खतरनाक तो है लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोरोना वायरस के मरीजों की मृत्यु दर कई दूसरे वायरस के मुकाबले काफी कम है। इसलिए आप कोरोना वायरस से घबराए नहीं, बस कुछ सावधानियां बरतें। अगर आप सचेत रहेंगे तो आप इस वायरस से बच भी पाएंगे और इसे लेकर दूसरों को आगाह भी कर पाएंगे। अगर आपके किसी जानने वाले या फिर परिवार वाले को कोरोना वायरस का संक्रमण हो भी गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस डॉक्टरों की सलाह का पालन करना है और अफवाहों पर ध्यान नहीं देना।